अब तुम बाहर आ सकती हो बेटी। इसे ही ढूंढ रहे हो ना तुम लोग? बेला, भगवान का शुक्र है तू ठीक है। चल वापस घर चल, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तूने। बच्चों में माता पिता के प्राण बसते हैं और तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अकेली कहीं जाओ। तुम्हें अपने आई बाबा के साथ ही रहना चाहिए बेटी। बाबा हम नासिक से हैं, मेरा मसाले का व्यापार है, लेकिन सूखा पड़ने से महंगाई काफी बढ़ गई और मेरा व्यापार मंदा हो गया। सोचा गांव में रहेंगे तो खर्चा कम होगा, इसीलिए अपनी जमा पूंजी लेकर यहाँ आ गई। और फिर यहाँ हवा पानी भी साफ है। अब यहीं पर किराए का मकान लेकर नए सिरे से अपना कारोबार शुरू करने की सोच रहे हम। गोविंदा, जोशी जी का घर खाली पड़ा है, उसकी चाबी श्यामा के पास है, श्यामा से इनकी घर के लिए बात करवा दो। जी सही। उस आदमी ने सच कहा था, आप सबकी परेशानी हर लेते हैं। जीवन आपसी सहयोग से चले तो अच्छा है, जैसे आज मालिक की कृपा से मैं आपको एक घर देने में मदद कर पाया, हो सकता है शायद कल आप भी किसी बेघर को घर दिलवा पाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। याद रखिए, समस्या है तो मालिक ने उसका समाधान भी दिया है। साई ओम, साई ओम, साई। इंसान को बस उस समाधान को पहचानना है। मुझे जाना होगा। मैं जानती हूं तुम्हारे लिए चढ़ाए मोह का सेवन करना गलत है, लेकिन मैं तो तुम्हारी संतान हूं ना, अगर तुम्हारे हिस्से का खाना खा लूं तो तुम नाराज तो नहीं होंगे ना? Thank you.
ये क्या कर रही हो? भगवान का भोग चुरा कर खा रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं चोर नहीं हूँ बेटा, बहुत दिन से भूखी हूँ। चोर के मुंह से बेटा सुनना अच्छा नहीं लगता है। क्या हुआ? भगवान के लिए जो भोग रखा था ये वो चुरा कर खा रही थी। बाहर निकालो इसे। भगवान के घर चोरी करती है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं बहुत भूखी थी। झूठ बोलती है? नहीं, मेरा यकीन करो, मैं चोर नहीं हूँ। चुप कर, चोर कहीं की? चल निकल यहाँ से। नहीं। हनुमान जी का भोग चुरा कर भूखे थाली से खा रही थी ये। पाप किया है इसने, पाप। पाप का इतना भय क्यों? पुण्य का इतना मोह किस लिए? जो हमें हमारी मानवता ही भुला दे। अगर भगवान के भोग की थाल भरी हो जबकि कोई इंसान भूखा हो तो क्या भगवान को ऐसा भोग स्वीकार होगा? हर धर्म यही सिखाता है कि भूखों की, गरीबों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो। फिर इस जरूरतमंद की जरूरत को समझे बिना इसे चोर कहके क्या तुम पुण्य कर रहे हो? तुम सबको तो खुश होना चाहिए कि स्वयं हनुमान जी ने अपने प्रियजन को यहां भेजा है हम शिरडी वासियों का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। हनुमान जी तो सारी दुनिया को चलाते हैं, फिर इनकी इच्छा के बिना कोई इनका प्रसाद कैसे खा सकता है? और जब हनुमान जी की यही मर्जी है तो हम कौन होते हैं बीच में पड़ने वाले? तुम सब लोग अपने अपने काम के लिए जाओ और ये भोग की थाल मुझे दे दो। ये लीजिए माई। आपका नाम क्या है? सरस्वती। कहां से आई हैं आप और आपका परिवार कहां है? मेरा कोई परिवार नहीं। हनुमान जी पर श्रद्धा रखिए माई, उन्होंने एक भूखे पेट को खाना दिया है। अगर हनुमान जी की कृपा होगी तो आपको परिवार भी मिल जाएगा। अब आप खाना खाइए, मैं चलता हूं।
जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई पैरों में तो छाले पड़े थे, अब कोई तकलीफ नहीं है, ये कैसे हुआ? तकलीफ दूर होने का समय आ गया है। आपने, आप सब ने बहुत सह लिया, अधूरेपन का जीवन बहुत काट लिया। अब समय आ गया है पूरा होने का। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई अल्लाह मालिक। बाबा बाबा आपकी शिदोरी। मैं ना, जब से तुम शादी करके ससुराल गई हो, तुम्हारे हाथ से शिडोरी लेने की आदत ही छूट गई। आज तुम्हें देखकर पुराने दिन याद आ गए। बाबा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक द्वारका की शादी नहीं हो जाती मैं यही रहने वाली हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक ये सारे काम मैं ही करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, कर लेना, लेकिन जरा संभल के, अब तुझे भागा दौड़ी नहीं करनी है। आओ, आज दफ्तर जाना जरूरी है क्या? हाँ, आज द्वारका को लड़के वाले देखने आने वाले ना। थोड़ी देर का काम है, मैं समय पर आ जाऊंगा। आओ, दफ्तर में और लोग भी तो होंगे ना, एक दिन संभाल लेंगे वो काम। अंग्रेज सरकार ने मुझे जो ओहदा दिया है उसके लिए अंग्रेज अफसरों को चुना जाता है, अगर वो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं तो इसलिए नहीं कि मैं अपने हिस्से का काम अपने कर्मचारियों के ऊपर छोड़ दूं। जिस काबिलियत की मैं तनख्वाह पाता हूं वो काम मुझे खुद ही करना होगा। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, मैं मानती हूं। ईश्वर ने नहीं, जो कुछ मैंने पाया है अपनी मेहनत से पाया है, खुद को इस योग्य बनाया है मैंने। आई आप ना फिजूल बहस कर रही है, बाबा नहीं मानेंगे। बाबा को तो हम पर भरोसा ही नहीं है, ने कितनी बार समझाया कि अब हम काम करने लगे हैं तो अब रिटायर होकर आराम करें। लेकिन इनको तो हम पर भरोसा ही नहीं है कि हम इनकी देखभाल कर लेंगे। मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ और ना ही अपने काम के लिए किसी पर भरोसा करता हूँ। चलता हूँ। काश इन्हें लोगों पे भरोसा करना कोई सिखा पाता। माँ जी, ये आपके लिए। इसका जन्मदिन है? नहीं, समझ लीजिए दूसरा जन्म है। बहुत बीमार हो गया था, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं अन्न और जल नहीं लूंगी, और ये भी मांगा था कि जब ये ठीक हो जाएगा
तो मारुति को प्रसाद चढ़ाकर 10 लोगों को शाल बांटूंगी। साईं बाबा की कृपा से अब ये ठीक हो गया है, इसलिए यहाँ आई हूँ। तो ये आपके लिए। आई जल्दी चलो ना, मुझे खेलने जाना अपने दोस्तों के साथ। बेटा तेरी आई तेरे लिए भूखी प्यासी रही तो थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकता? आई के साथ तो मैं दिन भर रहता हूँ, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। आई चलो ना, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। जाएगा हु? आई को छोड़ के जाएगा? जब तू बीमार था तब तेरी आई तुझे छोड़ के चली गई होती तो तेरी देखभाल कौन करता? हाँ क्या होता तेरा? तेरी आई ने तेरे लिए इतना त्याग किया, तू थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकता? माँ बाप बच्चों के लिए इतना करते, बच्चे क्यों नहीं समझ पाते? क्यों नहीं समझ पाते बच्चे? छोड़िए, बच्चों को समझ में नहीं आता। छोड़िए मेरे बेटे को, ये क्या कर रही हैं आप? चल बेटा, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? भगवान ये मैंने क्या किया? ये रहा घर जहां आप लोग रहेंगे। आइए। लेकिन पहले तुम्हारे बाबा से पैसे की बात तो हो जाने दो। बाबा शाम तक आएंगे और फिर आप निश्चिंत रहिए। साई की आज्ञा है कि आपकी रहने की व्यवस्था की जाए, तो अब आप भाड़ा नहीं भी देंगे तो भी बाबा आपको मना नहीं करेंगे। आइए। कैसा गांव है जहां लोगों में स्वार्थ ही नहीं है। सच कहा दुर्पदा, मैंने भी ऐसे लोग नहीं देखे। ये सब साई की कृपा है, उनकी संगत में जो भी रहते हैं उनके मन से स्वार्थ और बुरी भावनाएं मिट जाती है। आइए अंदर चलें। अंदर चलो बेला, वहां कहां जा रही हो? बेला जाने दीजिए ना, शायद खेलना चाहती है बच्चों के साथ। खेलने दीजिए, अपने गांव के ही बच्चे हैं। तुम चिंता मत करो, ये तो बस ऐसे ही जिद करती रहती है। इसका बस चले तो ये घर में टिके ही नहीं। अंदर चलो बेला। सब देख रहे हैं, तमाशा क्यों करेंगे? बेला बहुत बदतमीज हो गई है, चुपचाप अंदर चल। अच्छा घर है। यहाँ बाहर दाएं में जाएंगे तो कुआ पड़ेगा और सीधा जाएंगे तो बाजार है। ये
तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम्हें घर कैसा लगा? मेरा घर ये है। कोई भी आवश्यकता होगी तो बिना संकोच बताइएगा, चलता हूं। भगवान, मैं कितनी गिर गई हूं। मैंने आज एक छोटे बच्चे को डरा दिया और अब ये खाली थाली आपके सामने रख रही। प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई बाबा, हम लोग ने घर बनाया है, कैसा है? और ये हमारी रसोई देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन लेकिन क्या साई? एक कमी है। क्या कमी है साई बाबा? ये वो समय है जब मैं खुद पे भी विश्वास हार चुकी हूँ। मुझे कोई इशारा दीजिए कि आप मेरी बात सुन रहे हो, कि आप जानते हो कि मेरी तकलीफ क्या है। एक संकेत, मुझे उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। जय श्री राम। अब कमी दूर हो गई। जय श्री राम। Oh,
हो रहा है? पहले मेरे पैर ठीक हो गए, अब ये खाली थाली भर गई। जब से उन फकीर बाबा से मिली हूँ, चमत्कार हो रहे। कौन थे वो? शिरडी के साई बाबा। उन्होंने चांदोरकर साहब के लिए कुछ भेजा है, लेकिन चांदोरकर साहब तो आज घर जल्दी चले गए। इन साई का काम किए बिना मैं वापस नहीं लौट सकता हूँ, क्या करूं? अगर बहुत जरूरी है तो आप उनके घर चले जाइए। घर तो मैंने दिखा दिया उन्हें और उन्हें अच्छा भी लगा, लेकिन लेकिन क्या उद्धव? वो बेला, वो इतनी छोटी है पर इतनी जिद्दी, सिर्फ अपने मन की ही करना चाहती है। उसके आई बाबा उसे कुछ भी कहते हैं तो वो जवाब ही नहीं देती, ऐसे भी बहुत कम बोलती है। मतलब उसकी उम्र के बच्चे इतना बोलते हैं पर उस बच्चे की तो सिर्फ आंखें ही बोलती है। मुंह से इंसान झूठ बोल सकता है उद्धव, लेकिन आंखें सच बोलती हैं। लेकिन उसकी आंखों से तो सिर्फ नाराजगी और बगावत छलकती है, जैसे वो अपने आई बाबा को पसंद ही ना करती हो। मैंने ऐसा बच्चा पहले कभी नहीं देखा जिसे अपने आई बाबा से कोई जुड़ाव ही ना हो। उद्धव, बच्चे बड़ों की तरह अपनी भावनाओं को छुपाना या व्यक्त करना नहीं जानते। दोनों ही सूरतों में बच्चे का जो व्यवहार होता है उसे समझने के लिए बच्चे की असली तकलीफ को जानना बहुत जरूरी है, तभी सही मार्गदर्शन मुमकिन है। अब ये लोग शिरडी आए हैं और आपकी कृपा दृष्टि इन पर पड़ी है, तो अब इनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब इनका मार्गदर्शन आप ही करेंगे। सबकी जरूरतें अलग होती हैं और मार्गदर्शन किसी की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि उसके लिए क्या जरूरी है उसके अनुसार होता है, तभी वो परिवर्तन सार्थक होता है, स्थायी होता है। और ये इस पर निर्भर करता है कि क्या वो परिवर्तन के संकेतों को पहचान भी रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.